मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों आज बात करने के लिए आया हूँ LIC म्यूचुअल फंड के ऊपर। और LIC म्यूचुअल फंड ने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है दोस्तों, और उस शानदार रिटर्न का प्रूफ मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जहां पे आप ये देख पाएंगे कि जहां भारतीय जीवन बीमा निगम के निवेश हैं और भारतीय जीवन बीमा निगम म्यूचुअल फंड के जो बेस्ट फंड्स हैं उसने क्या परफॉर्मेंस दिया है दोस्तों। तो आइए आगे की चर्चा अपने स्क्रीन पे आपको ले चल के करता हूं और दिखाता हूं कि LIC म्यूचुअल फंड्स ने क्या शानदार रिटर्न डिलीवर किया है दोस्तों। ये जो रिटर्न्स हैं हमने 19 जुलाई 2021 के क्लोजिंग डाटा के हिसाब से लिया है, और इसमें हमने इक्विटी और डेट कैटेगरी के 8 फंड्स को चुना हुआ है दोस्तों। सबसे पहला मैं दूंगा फंड का नाम, दूसरा दूंगा आपको फंड किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, तीसरा दूंगा कि फंड की AUM साइज कितनी है, एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज कितनी है, और उसका NAV प्राइस कितना है, एक सालों में उस फंड ने क्या CAGR रिटर्न दिया है, दो सालों का क्या CAGR रिटर्न है, तीन सालों का क्या CAGR रिटर्न है, और 5 सालों में क्या रिटर्न डिलीवर किया है। तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबा दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त होता रहे दोस्तों। अब मैं शुरुआत करता हूं अपने सबसे पहला फंड, लार्ज कैप फंड कैटेगोरी से आता है LIC MF लार्ज कैप फंड ग्रोथ दोस्तों। 555.45 करोड़ का इसका AUM साइज है, जो जून 2021 के क्लोजिंग डाटा के हिसाब से है। इसकी NAV है ₹36.79 का, और एक साल का जो रिटर्न है दोस्तों वो 40.96% का है, दो सालों का रिटर्न दोस्तों 18.25% का है, तीन सालों का रिटर्न दोस्तों 12.77% का है, और पिछले 5 सालों का रिटर्न दोस्तों 12.07% का है। तो दोस्तों लार्ज कैप कैटेगरी में बहुत ही उत्कृष्ट फंड, बहुत ही उत्कृष्ट रिटर्न LIC लार्ज कैप फंड का। दूसरा फंड हमने चुना है दोस्तों फ्लैक्सी कैप फंड कैटेगरी से, LIC MF फ्लैक्सी कैप फंड ग्रोथ का दोस्तों। फंड की साइज है 391.80 करोड़ का, जो कि जून 2021 के क्लोजिंग के हिसाब से है। NAV है ₹62.18 का, और इसकी जो एक साल की रिटर्न है वो 36.05% का, पिछले दो सालों का रिटर्न दोस्तों 16.06% का, पिछले तीन सालों का रिटर्न दोस्तों 12.84% का, पिछले 5 सालों का रिटर्न दोस्तों 9.30% का है दोस्तों। पायदान नंबर 3 पे जो मैं फंड लेकर के आया हूं वो फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से है, और फंड का नाम है LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड। फंड की साइज 1206.64 करोड़ का, और जून 2021 के क्लोजिंग डाटा के हिसाब से AUM साइज है, और इसका NAV प्राइस है ₹21.78 का दोस्तों। इस फंड ने पिछले एक सालों में 52.24% का रिटर्न दिया है, पिछले दो सालों में 22.56% का, पिछले तीन सालों में 15.08% का, और पिछले 5 सालों में 16.27% का दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर रिटर्न, झक्कास रिटर्न डिलीवर किया है LIC के इस शानदार फंड्स ने दोस्तों। पायदान नंबर 4 पे लाया हूं, उस फंड का नाम है LIC MF टैक्स प्लान ग्रोथ दोस्तों। फंड की साइज 3668.27 करोड़ का, ₹90.98 का NAV है, एक सालों का रिटर्न 47.31% का, पिछले दो सालों का रिटर्न 17.72% का, पिछले तीन सालों का रिटर्न 12.61% का, और पिछले 5 सालों का रिटर्न 13.05% का दोस्तों।
बहुत ही बेहतरीन फंड्स एटीसी के टैक्स बेनिफिट के लिए इसमें अपने ज्यादातर इन्वेस्टर निवेश कर रहे हैं, जहां पे वो माला माल हो रहे हैं। दोस्तों पायदान नंबर 5 में जो मैं फंड लाया हूं उसका नाम है LIC MF इक्विटी हाइब्रिड फंड ग्रोथ। दूसरा फंड सेम कैटेगरी में है LIC MF यूलिस यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसके अंदर हम रिस्क कवर भी देते हैं आपको, रेगुलर है। और एक ग्रोथ ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर अगर LIC MF इक्विटी हाइब्रिड फंड की बात करेंगे तो 456 करोड़ का फंड साइज है, और यूलिस की बात करते हैं तो 376 करोड़ का फंड साइज है। अगर LIC MF इक्विटी हाइब्रिड फंड को देखेंगे तो ये फंड 130 रुपए की NAV पे ट्रेड कर रही है, जबकि LIC MF यूलिस फंड 24.40 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही है। लेकिन रिटर्न के मामले में है LIC यूलिस फंड ने बहुत ही बेहतर रिटर्न पेश किया है, पिछले एक सालों में 41.08% का, पिछले दो सालों में 15.18% का, पिछले तीन सालों में 11.43% का, और पिछले पांच सालों में 11.01% का। दोस्तों बहुत ही शानदार। इसी क्रम में अगर आप LIC MF इक्विटी हाइब्रिड फंड का देखते हैं तो उसने पिछले एक सालों में 27.65% का, पिछले दो सालों में 12.73% का, पिछले तीन सालों में 12.08% का, और पिछले पांच सालों में 9.09% का रिटर्न डिलीवर किया है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा अपने डेट कैटेगरी में दो फंड्स का, जिसमें हमने सबसे पहला फंड चुना है LIC MF बैंकिंग एंड PSU डेट फंड, जिसकी फंड की साइज है 2199.93 करोड़ का, लगभग 2200 करोड़ की फंड साइज है, जो जून 2021 की क्लोजिंग के हिसाब से है। फंड की जो NAV है 27.77 रुपए का है, पिछले दो सालों में 6.48% का रिटर्न दिया है, पिछले एक सालों में 3.26% का, 3.39% का, और 4.32% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है दोस्तों। दोस्तों दूसरा फंड हमने जो चुना है उसका नाम है, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड कैटेगरी से आती है, फंड का नाम है LIC MF शॉर्ट टर्म डेट फंड का, जिसकी फंड की साइज है 453.64 करोड़ का, 11.87 रुपए का इसका NAV है, 4.57% का रिटर्न है, 3.02% का रिटर्न है, पिछले एक सालों में 3.09% का रिटर्न है, और पिछले दो सालों में 6.17% का रिटर्न है। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार ऑडियो एवं वीडियो आपके लिए। अगर किसी भी मित्र को इन फंड्स में निवेश करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल लिंक लगा हुआ है, गूगल लिंक पे क्लिक करके आप अपना बेसिक डिटेल्स डाल देंगे, जहां से हमारी बैकएंड टीम आपको कॉल करके इन सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जानकारी आपको देंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।